अस्सलाम वालेकुम, जॉब गाइडेंस, जॉब इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस में एक बार फिर खुश आमदीद। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने चुप कर लिया चेंज में असामियाँ खादी है। इस बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है और कहाँ कहाँ से अप्लाई करना है। पाकिस्तानी नेशनलिटी हो, डोमिसाइल हो, इसमें आप जॉब देख सकते हैं कौन कौन से जॉब आएंगे। असिस्टेंट है, स्टैंडर्ड ड्राइवर है और ड्राइवर है और नैब का सील है, फराश है। असिस्टेंट के लिए आप पंजाब और केबीके से अप्लाई कर सकते हैं। तालीम, ग्रेजुएशन और कंप्यूटर की हो। स्टैंडर्ड ड्राइवर में एक पोस्ट मेरिट की और पंजाब से एक मजदूर की को पोस्ट इसके अंदर, तालीम जो है इसके अंदर इंटरमीडिएट यानी कि FFSC हो जाए। मैक्सिमम स्पीड आपकी जो 80 और 40 की स्पीड हो शॉर्ट एंड टाइपिंग में। 18 से 28 साल स्टूडेंट के लिए है जबकि 18 से 25 साल उम्र स्टेनोटाइपर्स के लिए। ड्राइवर की जॉब सिर्फ इस्लामाबाद वाले लोकल के लिए या डोमिसाइल वालों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 30 साल उसकी उम्र है, प्राइमरी पास हो, ड्राइविंग लाइसेंस उसके पास वैलिड हो। मैप कासिब पंजाब से एक सीट है सिर्फ मैप कासिब की, प्राइमरी पास हो। फराश पंजाब से एक माधुर कोटे की पोस्ट है, प्राइमरी पास हो। बाकी टर्म और कंडीशन यही है कि अगर आप शेड्यूल कास्ट बुद्धिस्ट ट्राइबल एरिया से ताल्लुक़ रखते हैं तो 3 साल की आपको रिलैक्सेशन मजीद दी जाएगी। रिलीज आर्म फोर्सेज में से अगर आप रिटायर हैं वहाँ से 15 साल की आपको मजीद रिलैक्सेशन दी जाएगी आपकी एज में। गवर्नमेंट डिप्लॉय अगर आपने 2 साल सर्विस वहाँ पूरी कर ली तो 10 साल तक आपको वहाँ पर मजीद दी जाएगी। मजदूर कोटे में अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको 10 साल की दी जाएगी मजीद रिलैक्सेशन। और अगर आप विडो हैं या सन है या डॉटर ऑफ डिसीज कोई आपका फौती मुलाजिम है तो 5 साल की उस पर भी उसके फौती मुलाजिम के जो बच्चे हैं 5 साल के की एज रजिस्ट्रेशन उनको भी दी जाएगी। अप्लाई करने का सेम तरीका से यही बताया गया कि आपने NGP NJP.gov.pk पर जाना। तो मैं अभी आपको वहाँ पर लेके चलता हूँ। इधर है सबसे पहले गूगल में NJP.gov.pk आप जैसे लिखेंगे तो इसका मेन इंटरफेस आ जाएगा। तो यहाँ पे आपने जॉब सर्च करनी है मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट के नाम से। यहाँ पे आप बाहर चलने लग जाएगा, अभी आप तलाश कर लें। ये देखें मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज, फिर आपने क्लिक करना। सेम ये पोस्ट है जो आपके एड में गिवन थी, सेम पोस्ट है यहाँ पर आ गई। असिस्टेंट स्टेनोटाइपिस्ट क्राइटेरिया सारा गिवन है। एज लिमिट उन्होंने ये आपको बता दी यानी कि अपर और मैक्सिमम एज लिमिट उन्होंने बता दी 33 ईयर, स्टेनोटाइपिस्ट में 30 ईयर, ड्राइवर में 35 साल, मैं आपका सिर्फ 30 साल, फराश में 30 साल और ऑफिस के अकाउंट में 33 साल। डिप्टी डायरेक्टर होना चाहिए, कोई अदर पोस्ट नहीं, वो बीसी में ही है, वो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अप्लाई करने का तरीका है कि अप्लाई नाउ पे आपने टिक करना, लॉगिन या साइनअप होना है आपने इसके अंदर पहले। अगर तो ऑलरेडी आपकी आईडी वहाँ पर है तो आपने साइन चेक करना है, नहीं तो आप साइनअप करेंगे सर उसको। साइनअप से आप यहाँ पर कैंडिडेट साइनअप करेंगे, शांति अपना आई डी, शांति कार्ड नंबर, वैलिड ईमेल आई डी, पासवर्ड और उसको दोबारा आप टैप करेंगे, साइनअप हो जाएंगे। जब आप साइनअप हो जाएंगे यहाँ से आपको एक मेल आपके ईमेल एड्रेस पर मौसूल होगी, वहाँ पे आपने अकाउंट अपना एक्टिवेट करना। जैसे ही आप उसके अंदर दोबारा साइन इन हो जाएंगे अपने आईडी कार्ड और अपने पासवर्ड से, तो वो मुतालका आपको पोस्ट जो होगी आप उसमें अपना वहाँ पर आप अपना अपडेट करेंगे, एजुकेशन, तालीम, एड्रेस सारा कुछ अपने अपडेट करके। मज़ीद इंफॉर्मेशन के लिए आपको अगर समझ नहीं आती है तो मुझे कमेंट करें, इंशाल्लाह आपको गाइड किया जाएगा। जॉब इंफॉर्मेशन एंड गाइडेंस को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। मज़ीद जॉब्स इंफॉर्मेशन भी आपको यहाँ पर इंशाल्लाह मुहैया की जाएगी। शुक्रिया।